अभी कुछ दिन पहले ही हमने विश्व धरती दिवस मनाया, लेकिन पिछले कुछ सालों से पर्यावरण को लेकर वैज्ञानिकों सहित दुनिया भर के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं, उससे वैज्ञानिक अनुमान लगाने में लगे हैं कि आने वाले सालों में पृथ्वी की हालत कितनी खराब हो सकती है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि मानवीय गतिविधियों के कारण आने वाले सालों में, खासकर 2100 में, पर्यावरण का हाल क्या हो सकता है। दरअसल आज से 50 साल पहले दुनिया में पहला अर्थ डे मनाया गया था। 1970 में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस साल अर्थ डे की 50वीं सालगिरह पर दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप से ग्रस्त है। हालांकि धरती दिवस के दिन ही एक अध्ययन सामने आया है जिसमें इस बात पर शोध किया गया कि क्या आने वाले 80 सालों में हमारी धरती रहने लायक बचेगी। कोरोना वायरस के कारण जलवायु परिवर्तन के आंकड़ों में भारी कमी आई है, लेकिन वैज्ञानिक इसे लेकर बहुत खुश नहीं है। उनका मानना है कि कोरोना संकट के हल होने के बाद स्थिति पहले जैसी या फिर उससे भी ज्यादा खराब हो सकती है। दरअसल इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने भविष्य के कई हालातों का मुआयना किया जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है। न्यूज 18 इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक इस शोध में वैज्ञानिकों ने इस बात का अध्ययन किया है कि किस तरह से कार्बन उत्सर्जन को लेकर अलग अलग नीतियां बन सकती हैं और उसका हमारे ग्रहों पर क्या असर पड़ेगा। शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन, तापमान वृद्धि, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ग्लोबल वार्मिंग पावर जैसे आंकड़ों को पिछले 70 सालों के रिकॉर्ड के आधार पर अलग अलग SSP यानी कि शेयर्ड सोशियो इकोनॉमिक पाथवे के मुताबिक अनुमान लगाया। इसके अलावा साल 2010 में बनाए गए हालातों को भी इस अध्ययन में शामिल किया गया। शोध में अनुमान लगाया गया है कि यदि हालात अब तक जैसे बढ़े हैं वैसे ही बढ़ते रहे तो अभी जो कार्बन उत्सर्जन 20 बिलियन टन प्रतिवर्ष है, साल 2100 तक 60 बिलियन टन प्रतिवर्ष तक भी जा सकता है। लेकिन इस अध्ययन में तमाम हालातों में बहुत अंतर पाया गया है। बुरे से बुरे हाल में यह उत्सर्जन 2 गुना या बेहतर हालातों में यह नकारात्मक स्तर पर भी जा सकता है। इस शोध के मुताबिक यदि अभी तापमान वृद्धि प्रति वर्ष 1 डिग्री मानी जाए तो वर्तमान हालातों के ही रहते वह 3 डिग्री हो सकती है। बहुत बुरे हालातों में वह 5 डिग्री प्रतिवर्ष हो जाने की संभावना भी है। वहीं हालात काबू में रहने पर यह 1.5 डिग्री प्रतिवर्ष तक भी रह सकती है। हालांकि ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इनमें बदले हुए हालातों को शामिल नहीं किया गया है, जैसे कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन, ब्रेक्जिट, अमेरिका का पेरिस समझौता से हटना। हालांकि इनमें से कुछ हालात यानी कि SSP और RCV को लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद रहा है कि वे सटीक अनुमान लगाने के लिए सही नहीं है। लेकिन शोधकर्ता डोनाल्ड वुवल्च का इस पर कहना है कि वे केवल आने वाले जोखिम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, न कि भविष्यवाणी कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर हम पर्यावरण को बचाने के प्रति जागरूक नहीं हुए, धरती को बचाने के लिए सजग नहीं हुए, पर्यावरण में जो असंतुलन हो रहा है उसे रोकने में नाकामयाब रहे तो आने वाली स्थिति बेहद भयावह हो सकती है। पर्यावरण जैसे मुद्दे पर न जाने हम क्यों इतने हल्के रवैये से पेश आते हैं, इसके प्रति उतने जागरूक नहीं रहते जितने कि अन्य मुद्दों पर। दोस्तों, अगर आप पर्यावरण प्रेमी हैं या पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहते हैं या फिर अपने स्तर पर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो हमसे संपर्क करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।